सभी को नमन। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है शवासन। शव का अर्थ है मृत, यानी जब हम मुर्दे के समान जमीन पर लेटते हैं और केवल हमारी श्वासें चल रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति को शवासन कहते हैं। वैसे भी शवासन सभी का फेवरेट आसन है। शवासन कब किया जाता है? जब हम अपना योग आसन समाप्त करते हैं तो अंत में हम शवासन करते हैं, या जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जब हम बहुत थक जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से थकावट हो या मानसिक रूप से थकावट हो, तो हम रिलैक्स होने के लिए शवासन का सहारा लेते हैं। शवासन से हमारे शरीर की अंदरूनी शक्तियाँ जागृत होती हैं और हम अपने श्वासों के प्रति और अपने शरीर के अंगों के प्रति जागृत होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग शवासन में सो जाते हैं, नींद की स्थिति में चले जाते हैं, परंतु इसकी हानि तो कोई नहीं होती, परंतु जो हमारा मकसद होता है वह पूर्ण नहीं हो पाता। हम शारीरिक रूप से तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, परंतु मानसिक रूप से रिलैक्स फील नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज हम करेंगे शवासन। इस आसन को 5 से 10 मिनट प्रतिदिन अवश्य करें। तो जैसे जैसे जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको देती रहूँगी शवासन में, वो आप उनको फॉलो करेंगे और तभी हमारा शवासन परफेक्टफुली हो पाएगा। तो आइए करते हैं शवासन। आइए शुरू करते हैं शवासन। सबसे पहले जिस जगह पे आप बैठे हैं उसी जगह पे लेट जाएं। दोनों पैरों में फासला बना लें थोड़ा सा, दोनों हाथों में भी फासला। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर और सिर को एक साइड से कर लें, किसी भी साइड, लेफ्ट या राइट साइड से। जिस तरह से एक मुर्दा जमीन से लेटा होता है उसी तरह से अपने शरीर की स्थिति को सबसे पहले बनाएं और देखें किस तरह से प्राण वायु हमारे शरीर के अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। महसूस करें श्वासों को, जिस तरह से एक बालक माँ की गोद में कितना आराम, सुकून और सुरक्षित महसूस करता है, ठीक इसी तरह से हम धरती माता की गोद में लेते हैं, कितना आराम, सुकून और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें। इन शरीर रूपी आँखों को बंद कर लें, मन रूपी आँखों को खोल लें और जिस जिस अंग का मैं नाम लूँगी उस अंग को आप देखें, यानी कि महसूस करें और ढीला छोड़ते जाएँ। सबसे पहले अपने दाहिने पैर के अंगूठे, यानी कि राइट पैर के अंगूठे को देखें, उंगलियों को, पैर के तलवों को, एड़ी को, पिंडली को, घुटने को, जंघा को देखें और पैर को ढीला छोड़ दें। इसी तरह से लेफ्ट पैर के अंगूठे, यानी कि बाएं पैर के अंगूठे को देखें, उंगलियों को देखें, पैर के तलवे को देखें, एड़ी को, टखने को, पिंडली को, घुटने को, जंघा को देखें और ढीला छोड़ दें। देखिए किस तरह से दोनों पैर इस तरह जमीन पर एकदम ढीले पड़े हैं और कितनी सुंदरता पूर्वक अपना कार्य करते हैं, यह भी महसूस करें। इसी तरह से ऊपर आएं, अपने मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग को महसूस करें, अपने पेट को देखें, पेट के आवरण को महसूस करें, पीठ को देखें, बॉडी के इंटरनल पार्ट जैसे पैनक्रियास को महसूस करें, फेफड़ों को महसूस करें, किस तरह से फेफड़े श्वासें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हृदय की धड़कनों को महसूस करें, किस तरह से धड़कने चल रही हैं। अपने दोनों हाथों को महसूस करें, अपने दाएं पैर की, दाएं हाथ की ओर आएं, दाएं हाथ यानी कि सीधे हाथ के अंगूठे को देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली को महसूस करें और ढीला छोड़ दें। हाथ की हथेली, कलाई, कोहनी और कंधे को महसूस करें और ढीला छोड़ दें। इसी तरह से बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड के अंगूठे को, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली को, हाथ की हथेली, कलाई, कोहनी और कंधे को देखें, ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें एकदम। इसी तरह से ऊपर आएं, अपने गर्दन को देखें, थोड़ी को, जीभा को, दांतों को, होठों को महसूस करें, दोनों गालों को महसूस करें, अपने लेफ्ट
यस और राइट ईयर यानी कि दाएं कान और बाएं कान को महसूस करें, दाई नासिका और बाई नासिका को महसूस करें, दोनों आँखों को महसूस करें, आँखों की पलकों को, दोनों भौहों को, मस्तक को, सिर के बालों को महसूस करें, अपने ब्रेन को महसूस करें जो कि इस समय पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इस तरह से एक एक अंग को देखते हुए नीचे से ऊपर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। महसूस करें इस तरह इसी स्थिति में आप एक मुर्गे के समान लेते हुए हैं और इस समय केवल आपकी श्वासें चल रही हैं। उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परम पिता परमात्मा, जब तक हमारा जीवन है हमारे शरीर के ये समस्त अंग इसी तरह से अपना अपना कार्य करते रहें और हम निरोगी रह के स्वस्थ रह के अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे मन में केवल पॉजिटिव थॉट्स ही आएँ और नेगेटिव थॉट्स कूड़े की भांति बाहर निकल जाएं। और मन से वाणी से किसी का न बुरा सोचें न किसी को बुरा कहें। हे परमात्मा, हमारी एक एक श्वास के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। इसी प्रार्थना के साथ अपने दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को हिलाएं, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और चेहरे पे लगाएं अपने दोनों हाथों को। दोनों हाथों को देखते हुए अपनी आँखों को खोलें और बाई करवट का सहारा लेते हुए वापस अपनी स्थिति में आएंगे। तो ये था हमारा शवासन। शवासन को इसी तरह से किया जाता है। यदि आपको आसन करते समय नींद की स्थिति में आए आप, तो कोशिश करें आप नींद से उठें और वापस अपने शरीर के प्रति और जागरूक होंगे। और इसके लाभ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यह जिनको डिप्रेशन की समस्या है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है या जो बहुत सोचते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिनका बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनका वर्क ही इतना है कि जिनको मेंटली वर्क इतना है कि उनको मेंटली बहुत थकान महसूस होती है या फिजिकली थकान बहुत महसूस होती है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। और कोशिश करें इसे सुबह के टाइम शांति में ही किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसी आशा के साथ आप परफेक्टफुली इस आसन को करें। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।